एक बार फिर से मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ओ तो हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों का फरमाइशी, जो कि हमारे काफी भाइयों ने मुझे बताया है कि दीदी इस वीडियो पे रिएक्ट करो। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को रिएक्शन अपना इस वीडियो पे जरूर देना चाहूंगी, पर उससे पहले हमारी कुछ बातें हो जाती है, पहले भी हो जाएंगी और बाद में भी हो जाएंगी, और बीच में जो रहेगा वो हमारा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है अल्लाह हमसे कितना प्यार करता, या फिर परवरदिगार हमसे कितना प्यार करता है, या खुदा हमसे कितना प्यार करता है। अपने अपने शब्द, अपने अपने बोल, अपना अपना तरीका। तो इसी बात पे मैं कुछ अपना तरीका पहले आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। जी हाँ, तो अल्लाह वो चीज़ है जो वीडियो मैंने आप लोगों को इससे पहले पूरा बताया था, पेश किया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर बैठा खुदा, ठीक है, जो खुदा ऊपर बैठा है, उसने हम लोगों को बनाया है, हम लोगों को तराशा है, हम लोगों को खाने पीने का, बोलना चालना हर ढंग सिखाया है। वही तो है भाई अल्लाह। सो अल्लाह तो जान गए हम क्या है, जिसने मुझे तहजीब सिखाई है, हर काम करना सिखाया है, अपना वजूद बनाना सिखाया है, जान गए हैं ना अल्लाह। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। अरे भाइयों, एक आम इंसान का वजूद ही क्या है कि वो आपको उस खुदा के बारे में बता पाए कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा है, पहचानिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो हमसे कितना प्यार करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमसे वो कितना प्यार करता है। सो हे हाय, मैं तन्वी यादव फ्रॉम यूपी। सो आपको मैं बताना चाहूंगी, और उससे पहले मैं आपको कुछ कायदे से राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को, मेरे छोटे भाई बहनों और बड़े बुजुर्गों को भी। सो दोस्तों, एक बात बताइए, जब उस ऊपर वाले ने मुझको बनाया है, तो फिर भी इस दुनिया में आके हम नफरत की भावना को फैला के रखे हुए, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नफरत करते हैं, क्यों एक दूसरे को मारा काटी जलन की भावना से देखते हैं, कोई मुझसे ऊपर ना उठ जाए, कोई मुझसे पैसे वाला ना बन जाए, कोई बच्चा कहीं पे सक्सेस ना हो जाए, जब ऊपर वाले ने मुझको भेजा है तो क्यों ऐसा सोचते हो भाई। नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं बताऊंगी। ये सब सोचने के बाद मैं मजबूर हो गई और मैंने अपना दिमाग चलाया। जब मैंने अपना दिमाग चलाया तो मुझे कुछ समझ में आया, क्योंकि मैं पहुंच गई पुराने जमाने में, और जहां पे कुछ फिल्मों का मैंने अंदाज लगाया, मैंने कुछ डायलॉग निकाले, और मैंने सोचा कि जब ऊपर भगवान बैठा है तो अरे हमारे दुश्मनों, हमसे नफरत करने वालों, क्या कर लोगे मेरा। जी हाँ, हम काफी कमेंट सेक्शन में भी देखते हैं कि कई भाई बहन मेरे से कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, अरे कमेंट सेक्शन को तो छोड़ ही दो, हमारे नाते परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, ये हर जगह की बात है, आपके आगे भी बात होगी जनाब। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे धीरे धीरे इसी तरीके से, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हमारी बातों में ही निचोड़ होगा, वीडियो देखने से तो आपको, हाँ जी वीडियो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, पर वीडियो वो क्या है जहाँ बच्चों को तक न समझ में आए। आपको आज इस वीडियो के माध्यम से तिनका समझ में आने वाला है। तो प्लीज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, आती हूँ मैं अपने पॉइंट पे। तो हर जगह एक ही जलन, एक ही भावना। तो मैंने सोचा,
अरे जलने वालों, और आ गया एक डायलॉग दिमाग पे, तो अर्ज करती हूँ मैं इस डायलॉग को, अगर जरा भी गलती हो ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन खाली है उसमें जरूर भर दीजिएगा। ओके मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। जी हाँ, मुद्दई का मतलब यहाँ गाली से नहीं है, हमारे नफरत करने वालों से है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ओह वाह वाह वाह, फिलहाल में मैं पर्दे के पीछे हूँ तो वाह वाह करने का हक भी मुझे ही है, बाकी का आप लोग सोच लीजिए। कमेंट सेक्शन खाली है उसमें वाह वाह करने का हक आपको भी है। तो मैंने ये बात इसलिए रखी है, अगर आपकी जिंदगी में सफलता लिखी है, आपकी जिंदगी में खुशियां लिखी हैं, तो ऊपर वाला जो है ना वो आपको दे के रहेगा। आप समझ लीजिएगा कि हमसे हमारा खुदा अल्लाह कितना प्यार करता है, नफरत वालों की तो। इसी तरीके से मैंने ये डायलॉग बताया था, तो आती हूँ अब मैं अपने वीडियो पे। इसको ओरिजिनल वीडियो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर बिना रिएक्शन के देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। फिलहाल कौन है बेकरार की सुनकर लबैक कहने वाला, कौन है मुसीबत के बादलों को हटाने वाला, कौन है दुखी की फरियाद को सुनने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारे काम आने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारे दुख दर्द पे मरहम रखने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी सदाएं सुनने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला, कौन है अल्लाह है अल्लाह है। कहना मैं ये चाहता था कि अल्लाह ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है तो इससे प्यार भी अजब किया है। हाय 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 इब्न आदम, क्या बात है, आदम आए हाय हाय सुनना अल्लाह क्या कह रहा है। ईमान वालों नहीं, रातों को उठने वालों नहीं, रोने वाले पर्दादार औरतें, हलाल कमाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, यबना आदम ए आदम की औलाद, जिसमें आज भी 200-300 करोड़ ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं। करोड़ों ऐसे हैं जो कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा, वो कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा। करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने हाथों के बुत बनाकर उन्हें ही अपना माबूद बनाया हुआ है, और 100-125 करोड़ अहले ईमान हैं जिन्होंने ईमान का मजाक उड़ाया हुआ है, ईमान को बेचा, जमीर को बेचा। इन सब से अल्लाह बात कर रहा है, ये नमाजियों से नहीं। यबना आदम, यबना आदम, ए आदम की औलाद, इन्नी लक मुहिब्ब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाफरमान औलाद को तो माँ बाप भी घर से निकाल देते, और हमारे अखबारों में पाकिस्तान वो इस एड आया होता है कि हमने अपने बच्चे को अपनी जायदाद से फारिग कर लिया है नाफरमानी की बिना पर, रोज अखबारों में एड होते। जिसके हम बंदे, जिसने पैदा किया उसी से बगावत है, और इस सारी बगावत को देख कर वो कह रहे इन्नी लक मुहिब्ब, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगली बात इससे भी अजब है, अबे बादशाहों को क्या परवाह है कि रियाया से वो प्यार करें, क्या परवाह, उनका तो हुक्म चलता है। ए आदम की औलाद,
मर्द औरत अच्छे बुरे नाचने वाली पर्दादार शराब पीने वाला तहज्जुद में रोने वाला इन्नी लका मुहिब्बुन मुझे तुमसे प्यार है अगली फब हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा अल्लाह मेरे क्या बात अल्लाह ने की ए आदम की औलाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगली बार तुझे मेरे हक की कसम तू भी तो मुझसे प्यार कर हालांकि अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया सातों आसमान में चार उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं इतनी चार उंगली के बराबर क्या है हर इंच इंच पर फरिश्ते ने माथा सजदे में रखा हुआ है जगह ही कोई इतने सजदे उसको हो रहे हैं उन्हें नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं फरिश्तों से नहीं कहा मैं तुमसे जिब्रील मैं तुमसे प्यार करता हूं मिकाइल मैं तुमसे प्यार करता हूं उन्हें नहीं कहा मुझे कहा जो रात को गफलत दिन को बगावत माल का गलत कमाना गलत खर्च करना जवानी को गुनाहों में डाल देना मुझसे कहा कि ए आदम की औलाद मैं तुमसे प्यार करता हूं आगे कहा तुझे मेरे हक की कसम तुझे मेरे हक की कसम तू भी तो मुझसे प्यार कर बादशाहों को परवाह होती है सुभान अल्लाह और इतना बड़ा शहंशाह बदी उस समावात वल अर्थ बला वहु वल खल्लाकुल अलीम सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल अर्द वहु वल अजीजुल हकीम कुल कायनात उसकी तस्बीह पढ़ती है लहु मुल्क उस समावात वल अर्द जमीन आसमान का शहंशाह है यहयी व युमीत जिंदगी मौत का मालिक है वहु आला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है हुव अल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्ली शैइन अलीम व अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन व हर चीज का जानने वाला इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम एक अकेला तने तन्हा अल्लाह कुल कायनात का मालिक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम कुल कायनात का तने तन्हा अकेला माबूद शहंशाह ला शरीक ला अल मलिक ला शरीक ला वल फर्द ला निद्द ला वल अली ला समी ला वल गनी ला ज़हीर ला कोई उस जैसा नहीं कोई उसकी मिसाल नहीं अहद बेमिसाल समद किसी का मोहताज नहीं लम यलिद किसी का बाप नहीं वलम यूलद किसी का बेटा नहीं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कोई उस जैसा नहीं फिर कहता है तू भी तो मुझसे प्यार कर और मैं अब जिनका एक मिनट भी उसकी याद के साथ खूबसूरत नहीं है जो नमाज में खड़े होकर भी उसको याद नहीं करते बाहर क्या याद करें वो हमें कह रहा है प्यार एक और हदीस याद आती मा मिन यौम इल्ला वल बहर यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्ना आदम बर्तानिया को चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है पानियों में जोश उठता है या अल्लाह इजाजत दे हम चढ़ जाएं तेरे नाफरमानों को मैं बहा के ले जाऊं मछलियों की ग़िज़ा बना दूं चलो पानी को आने में दो घंटे लगेंगे वल अर्दो तस्ताज़िन फी अंतब तलेहु ये जमीन जिस पर बैठे हैं ये कहती है अला इजाजत दे बैठो बैठो को अंदर ले जाऊंगा निशान बैठा दू वल मलाइकतु तस्ताज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाजत दे हम उतरें इन सब की गर्दनें उड़ा दें तेरा खाते हैं तेरे ही नाफरमान आंखें 26 करोड़ बल्ब लगाए हैं दो आंखों में 26 करोड़ 13 करोड़ आई रिसेप्टर हैं एक आंख में
13 करोड़ दूसरी आंख में 26 करोड़ बल्ब लगाकर एक बिल मांगा है कि इससे गलत ना देखना कौन ये बिल अदा करता है, फिर भी लाइन नहीं कटती, फिर भी तारे नहीं कटती। यहां गवर्नमेंट की बिजली का बिल ना दो, तार कटेगी, अंधेरा छाएगा। और उसने मेरी आंखों में 26 करोड़ बल्ब लगाए, आपकी आंखों में, हर मर्द औरत की आंख में एक बिल मांगा, हराम ना देखना, नजरें झुका लेना, कितने हैं जो ये बिल अदा करते। अल्लाह तेरा खाते हैं तो उससे लड़ते हैं, इजाजत दे। जाल तो लकलिसानन जाल तो लहुल बाबन, मेरे बंदे तुझे जबान दी है, जबान पे ताला लगाया, दरवाजा बनाया, दरवाजा, इस जबान से बोल जो कहता हूं, जब हराम आए तो दरवाजा बंद कर ले। तुझे आंखें दी, आंखों पे पर्दे लगाए, इससे देख जो कहता हूं, जब हराम सामने आए तो पर्दा गिरा ले। मेरे बंदे क्या अजब प्यार है जो मेरे बंदे, या ओहो क्या बात है, क्या बात। जमीन ने कहा इजाजत दे मैं धसा दूं, पानियों ने कहा इजाजत दे मैं बहा दूं, फरिश्तों ने कहा इजाजत दे मैं उड़ा दूं, तो जिसकी नाफरमानी की है, जिसको गुस्से होना चाहिए था, वो कहता बहा दो, उड़ा दो, मिटा दो, धसा दो, हाय हाय। वो कहता है दो अब्दी फाना आलम बिअब्दी, मैं काम, चलो चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता हूं। इनकाना अब्दकुम फशानकुम बिही, तुम्हारा बनाया हुआ है, मिटा दो, बहा दो, धंसा दो, उड़ा दो। इनकाना अब्दी, अगर मेरा है फमिन्नी व इलैय अब्दी, फिर दखल ना दो, मैं जानू, मेरा बंदा जानू। जैसे कोई बाहर से आके कूद पड़े किसी फैमिली में, कहे भाई हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में ना आए, तो मेरा अल्लाह कह रहा है ये मेरा और मेरे बंदे का मैटर है, तुम बीच में ना आओ। वो जबान हाल से कहते हैं तो पकड़ता क्या नहीं, देखते नहीं क्या करते हैं, इनकी रात कैसे, देखते नहीं इनका दिन कैसा है, देखते नहीं इनकी कमाइयां कैसी है, पकड़ते क्यों नहीं हो। वो कहता है इन अतानी नहारन कबिलतुहु व इन अतानी लैलन कबिलतुहु, मैं इसकी तौबा का इंतजार करता हूं। जिस रात तौबा करेगा मेरा दर खुला पाएगा, जिस दिन तौबा करेगा मेरी रहमत की बाहें खुली, मेरा दर खुला हुआ है। जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आएगा तो मुझसे ताना नहीं सुनेगा, जवानी किथे कटी गई, हुण किदे आ गए, कभी नहीं सुनेगा, लोग ताने देंगे कि किसी काम का नहीं रहा तो अब तौबा करता है, तेरी कोई तौबा नहीं है, दान तेरे मुंह में च नहीं है, अख तेरी कोई नहीं, पैर तेरा कोई नहीं, और हुण तेरी केड़ी तौबा, मेरा लगा ना आजा मैं अब भी कबूल करूं, आ तो सही ना, आ तो सही, तू आए भी ना और कहे अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, तो फिर मेरा इंसाफ कहां जाएगा, फिर तू क्या कहता है कि मैं हुसैन यजीद को एक जैसा कर दू, मैं सारी करबलाओं की तारीख मिटा दू, शिमर और आले रसूल एक हो जाएं, मासूम बच्चों को नेजों पे चढ़े हुए सर और जुल्म की खून में डूबी हुई तलवारें एक कर दूं, ये तो नहीं हो सकता। हाँ तो आप फिर देख मैं कबूल कैसे करता, तुझे माफ कैसे करता, हाथों से बनाया है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, मेरे बंदो तुम्हें अजाब दे के मैं कहां खुश होता हूं, आ जाओ हम सुलह कर लें, मेरे बन जाओ, मैं तो पहले ही तुम्हें अपना बना चुका हूं, तुम भी आ जाओ मुझे अपना बना।
वाह सुपर मस्त, बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो था। लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं, समझ में तो हर किसी के ये वीडियो आ जाएगा भाई, शुद्ध हिंदी अल्फाज थे और इतना उर्दू टाइप का नहीं बोला गया था जो कि समझ में ना आए। तो समझ में अच्छे से आप लोग के भी आ चुका होगा, जिन लोगों ने मुझसे बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो लेके आइए कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। तो भाइयों, आप लोगों ने अगर हमारे स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिए, वो कतई शुद्ध हिंदी में है, आपको एकदम लीक कर जाएगा, एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह या हमारा कोई भी खुदा, खुदा हम लोग जिस रूप में जिनको देखते हैं वो हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, हमको बहुत प्यार करते हैं, हम लोगों को हर बला हर मुसीबत से वही बचाते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को कोई काम करने के लिए दिल गवाही नहीं करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि इस जगह हमको नहीं जाना चाहिए और फिर सोचते हैं भाई चले जाएं, या फिर कभी कभी लगता है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए। हर भाई और बहनों के साथ ऐसा होता होगा, स्पेशली हमारे ही साथ नहीं, हर किसी के साथ। लेकिन फर्क इतना है, कोई अपने दिल की आवाज को सुन लेता है और कोई अपने दिल की आवाज को दबा देता है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं भाई, ध्यान नहीं देते हैं। तो बस ध्यान दीजिए, आपका ईश्वर आपके ही अंदर है। अपनी आत्मा को पवित्र और साफ अगर कर लेंगे ना, दूसरों का बुरा नहीं सोचेंगे, अगर दूसरों का बुरा नहीं चेतेंगे, अगर दूसरों से नफरत और जलन नहीं करेंगे, अगर दूसरों को गिरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, अगर गरीबों पे दया करना सीख जाएंगे, तो सच बता रही हूँ आपको, डायरेक्ट ईश्वर खुदा के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है। आपको वीडियो देखने की या किसी से पूछने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे भाइयों और हमारी बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ इजाज़त इसी वीडियो के साथ में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, इसीलिए मुझे टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके के मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग भी नहीं जानते होंगे। हाँ जी, जानते तो आप लोग होंगे, लेकिन एक्सप्लेन जो कि आपको किसी भी चैनल में इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो में लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ जी मेरे भाइयों को वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में भी बोल दीजिएगा। तो अपनी दोस्त अपनी बहन को दीजिए इजाजत, चलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।